मुंह तक सांस देकर उनकी पत्नी को बचाना पड़ रहा है। जो उन्हें समझ लो भाई, जिंदा लाश वाली स्थिति है इनकी। ये इनकी माता जी है और इसके आर्थिक हालात खराब है, कोई इसके पास कोई चारा नहीं है। हाँ, यूँ है इसके पास बेबसी, अलाचारी, तंगी, बेहाली, बदहाली। धरती में आटे के लिए, धरती में आटे करने वाला काम हो रहा है। जितने पशु थे हमने सारे वहीं बेच दिए, मकान था एक वो भी बेच दिया जी। ये मार पे यो यो रह गया जी। सब तो बड़ी बीमारी गरीबी। सारे भाइयों ने राम राम, मैं हूँ थारा देसी पत्रकार करमू। और भाई देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक। फिलहाल रात के 10:30-11 का टाइम हो रहा है। सिंधड़ गांव तो मैं लाइव जुड़ रहा हूँ। फिलहाल जो आप देख रहे हो ये तस्वीरें, आपका दिमाग और दिल दोनों अंदर आ सकें, क्योंकि गरीबी बहुत खतरनाक चीज़ है। गरीबी के चलते एक जो मानस है वो अपनी पत्नी ने गरीबी के चलते, आर्थिक तंगी के चलते, वेंटिलेटर की कमी की पूर्ति अपना मुंह तक सांस दे कर रहा है। कर्जा हो लिया 7-8 लाख का, 3-4 साल तक इलाज चल रहा है। तो पूरी जानकारी हम दर्शकों तक पहुँचाएंगे। फिलहाल हैं, हाँ एक बार बताऊं भाई, सारे जिला का शेयर जरूर कर दियो, क्योंकि एक परिवार की मदद का चक्कर में मैं इस टाइम पहुँच रहा हूँ। 11:45 का टाइम हो रहा है। मेरे तरफ किसी भाई ने इनके बारे में जानकारी दी थी, तो जिस तरह मेरे तरफ पूरी डिटेल आई तो मैं सीधा पहुँच लिया। मैं भाई कुछ भी हो मैं ज़रूर आऊँगा और मदद परिवार की ज़रूर करवाऊँगा। फिलहाल वेंटिलेटर पर ले जाने का भी खर्चा परिवार पर नहीं है। तो सामने आप देख रहे हो संदीप हैं, इनकी धर्मपत्नी है, जो उन्हें समझ लो भाई जिंदा लाश वाली स्थिति है इनकी। ये इनकी माता जी हैं, परिवार का उन्हें समझ लो सारा। अच्छा, जो संदीप है, जो रागनी गायक हो रहे हैं उनके गिल्ले बैंजू बजाओ भाई। आर्थिक हालात कुछ नहीं है, जो बिल्कुल उन्हें समझ लो। संदीप भाई राम राम करते पहले अंतर। राम राम जी, राम राम। संदीप भाई कितने साल से इलाज चल रहा है आपकी पत्नी का? ये 7 साल से चल रहा जी। 7 साल? हाँ जी। अच्छा, कड़ा कड़ा दिखा ली मेरे भाई। या जी रोहतक दिखा लीजिए, अग्रवा दिखा लीजिए, सार दिखा लीजिए। कितना खर्चा लिया? मेरा 7-8 लाख रुपये लग लिया जी। मतलब तो काम को चला? काम जी किसी किसी पे लेने पड़े है जी, फिर उसका 2 रुपये सैकड़ा देना पड़ा है। मेरा 7 लाख रुपये सर हो रहे, 7-8 लाख। हाँ जी। तो जो तू काम करे उससे तो इतनी कमाई नहीं होती। के काम करे जी? ये बस गाना बजाना बैंजो बजाओ। हाँ जी, जो रागनी रुकनी जो। तो फिलहाल मेरे को एक सोमवीर भाई है जो अपना गढ़वा वादक है, तो उसने मेरे तो जानकारी दी थी उनके गले, मतलब पूरी जो टीम आया करे तो उन्होंने मेरे तो जानकारी दी थी। अच्छा वो राना जी अमित, तू मैं कैमरा मैन अमित गण कृष्ण कहूँगा एक बार आओ। अच्छा, जब आप लोगों को बोलियो मेरे आर्थिक स्थिति की कमी है, पीछा नहीं है, कर्जा चढ़ रहा है सिर पे। हाँ, दिखा ली चुकर दे आपकी पत्नी। और कितने साल तक बीमार है? या जी 7-8 साल होगी जी। अच्छा, तो फिर आप इनकी जब आप पीछा भी कोनी, हॉस्पिटल में धक्के भी खा लिए, कर्जा भी चढ़ लिया। हाँ जी। तो उसके बाद फिर आप इनकी किस तरह है फिर देखभाल कर रहे हो? जी हाँ, मैं जो कर मेरी माँ सो बेड जैसे रात ने मैं बैठो जी नो बारिश सो वहाँ जी, तो उसको जो कर सांस नहीं आता जी, जो कर इसका मुँह का मुँह लगा के थोड़ा घना सांस दे दिया। हाँ जी। किस तरह दे रहा? तो ठीक ठीक है, एक मिनट थोड़ा आप ठीक इसे प्रक्रिया था एक बार दर्शकों को बता दो, क्योंकि ये गरीबी है, या गरीबी है मुंह तो है सांस देख है ये। मैं देखो इस परिवार में मैंने जब यह बात सुन माई नहीं तो मेरे पर रहा नहीं गया, मैं रात नहीं पहुंचे हूँ। मुंह तो है सांस देख है इनकी पत्नी को बचाना पड़ रहा है, वेंटिलेटर पर ले जाने का, आंडन फिरन का नूह को नहीं ब्योत, क्योंकि 8 लाख का लगभग का, 7-8 लाख का कर्जा चढ़ लिया। युवत कहना है संदीप सिंधड़ का। फिलहाल तकलीफ क्या है, किस तरह की बीमारी है या समस्या? जी इसका नहीं जी 7 साल हो गए जिसका ये पेट फूला है जी। अच्छा, पेट फूल के नहीं जिसका नहीं कोई हालत नहीं रहती जी, फिर यह खाट में रह जी। अच्छा, खाट में रहे? खाट में रहे जी, जिंदा लाश की तरह पड़ी रहे। हाँ जी। तो फिलहाल मैं आपने बताऊंगा परिवार ने, देखो अपनी तरफ से जो जगह जगह धक्के खाने आ रहे हैं भाई, ये रिपोर्ट जितना इसका पास चल रहा भाई करे इन्हें अपना आंट फ्राई खूब कर ली, अल्ट्रासाउंड भी बतेरे लिए, रिपोर्ट भी बतेरी ली, लेकिन आखिर में हार थक का ईब जो इनका ऑपरेशन होना है। हाँ जी। उसमें कितना कोई खर्चा होगा? इसमें जी 2-2.5 लाख रुपए मांग रखे जी, जो नशा गुच्छा है नी जी। हाँ। जो नशा गुच्छा रहा इसकी जो सांस की नाली गल्ला है रही है जी इसका। अच्छा। हाँ जी, गुच्छा का अंदर। तो डिलीवरी का टाइम का कुछ मामला है? हाँ जी।
तो डिलीवरी सरकारी में कराई थी कि प्राइवेट में? ये जी सरकारी में करवाई थी। अच्छा सरकारी में, तो फिर इसका मतलब या तो फिर ऑपरेशन तो होते बच्चे या नॉर्मल? जो जी बच्चे ऑपरेशन आया था जिसका भी नेपाच आया था जी या तकलीफ। अच्छा अच्छा, नहीं जो बच्चे हुए थे ऑपरेशन तो हुए थे या नॉर्मल डिलीवरी? ना जी ऑपरेशन तक नहीं हुए जी। अच्छा नॉर्मल हो गए। हाँ जी। तो फिर उसे के दौरान कोई गड़बड़ हुई? हाँ जी। अच्छा पेट मना सा गुच्छा हो जाए? हाँ जी। सांस वाली नाली का क्या बताओ थे? जी उसकी गुच्छा के अंदर आ रही है जी, जो गुच्छा नहीं है। हाँ। तो सांस की नाली गल्ला ले रखी है जी। हाँ डॉक्टर ने करे गुच्छा के अंदर है जो नाली है सांस की उससे ज्यादा तकलीफ है इसके। हाँ उसको अलग अलग ये गुच्छा अलग अलग करेंगे। तो फिर इसका जब बेचैनी हुआ दौरा दारा पड़ा कि किस तरह की तकलीफ? ना जी इसका नहीं या नहीं रहा जी। अच्छा। हाँ जी सांस रुक जाए जी। सांस रुक जाए। हाँ जी। तो फिर आप सांस मुंह तो दो। हाँ जी एक बार आप, क्योंकि देखो मैं जब देखो गरीबी मन को ना, गरीबी तो बड़ी कोई बीमारी नहीं, सब तो बड़ी बीमारी गरीबी है। फिलहाल जो संदीप है मुंह तो अपनी पत्नी को सांस देकर जिंदा रख रहा है और इसकी आर्थिक हालात खराब है, कोई इसके पास कोई चारा नहीं है। हाँ यूँ है इसके पास बेबसी, अलाचारी, तंगी, बेहाली, बदहाली, क्योंकि इसका काम ऐसा कौन है भी जिस काम का माध्यम तो यूँ अपना कर्जा भी तैर दे और अपनी पत्नी का ऑपरेशन भी करा ले। 2.5 से 3 लाख रुपए इसकी पत्नी का ऑपरेशन पर बता रहा है यूँ। इसके ऊपर कर्ज भी चढ़ रहा है, इसका इलाज करा मतलब इलाज के लिए जड़ जड़ इन्हें धक्के खाए। इन्होंने कहा बोलिया रे रे माटी बिरान माटी बदीन माटी बंक के दे। तो फिलहाल जो इनकी पत्नी है ये बोलन की स्थिति में? ना जी टिक्का लुआ है जी, दर्द हो रहा था जी। अच्छा भी दर्द हो रहा था। हाँ। तो ये हालात है इनका, संदीप सिंदड़ का भाई का यूं कहना है वो इनकी जो पत्नी है इसको मतलब खूब सर कई कड़े कड़े दिखाया भाई ने आपने इनको? जी हाँ पहले हमने अग्रवा दिखाया जी, अग्रवा रोहतक का पर्चा काट दिया। आप इनके संदीप के पिताजी हो? हाँ जी। हाँ जी। अच्छा अच्छा, के कहो थे अंकल जी? हाँ जी। कौन बैठो? एक कुर्सी और ले लो, एक कुर्सी अंकल दे दे भाई। ले भाई कौन तू आड़े बैठ भाई, संदीप तू आड़े बैठ, तू आड़े बैठ, कोई अंकल जी आड़े बैठ। हाँ तू आड़े है जमाने घर में बताने लग रहे अंकल जी, आप इसमें बैठो आराम ले लो अंकल जी। बताओ बताओ। हाँ जी हमारे सारा किताब है जी। अच्छा बोलो। हाँ जी मैं तो सारी जितनी दिहाड़ी दिहाड़ी करानी हम तो सारी हेप लावा। अच्छा अच्छा। हाँ सारी कमाई जितनी लागे हेप लाग है और हम तो तंग हो लिया जमा बरीब तो मेरे बेचन दो या कोई लिहाज नहीं रही कर दो लिया छक तेरे पर जमींदारा का। हाँ छगली ठाठा के ना। चलो फिलहाल परिवार का यू कहना है कर्जा हो रहा है और 3 साल में जो इलाज पे पीछे लगे इनकी पत्नी, क्या नाम है आपकी पत्नी का? सुमन है जी। सुमन के इलाज पे लगभग 5-6 लाख रुपए लग भी लिए जो इनका एक अनुमान है और ये 2.5 से 3 लाख रुपए और लगने हैं। तो कर्जवान हो लिया है, जो कमांड का साधन है वो आप देख रहे हो बंजू, एक बार दिखा दे भाई कण करे ना बंजू का भी बेरा हुआ क्यों है दिखा दे एक बार, जो रागनी गायक हो अगर भाई अपने कलाकार हुए हैं कर्जा ठहर गया। अच्छा कर्जा ठहर गया। फिलहाल जो सुमन है, सुमन नाम है ना, सुमन का इंजेक्शन लगवा रखा है अभी ताकि इसका दर्द नहीं हो। उराने बैठ दे भाई आड़े बैठ। और ये मैं एक बार गला गला आपने नु बताऊंगा अभी के काम कर रहे हैं संदीप। ये पैड बजाओ। हाँ पैड बजाओ जिसने बैन चुका दे रहा दे दे। हाँ जी हाँ जी हाँ। ये इस टाइम आप देख लो पेट जो है सुमन जो है संदीप की पत्नी का पेट जमा पाटन हो रहा है, फूल रहा है पेट और यह एक समस्या गंभीर समस्या। एक बार परिवार पे कोई चारा नहीं, घर अपना अपना मुंह है संदीप अपना मुंह है, इसको सांस दे देकर जिंदा रख रहा है तो कर्ज में यू डूब लिया है। दिखाओ भाई ये इसका जीविका का साधन है भाई, इस तरह यू अपना बचा के ये बिजली तो चला सर। हाँ जी। अच्छा अच्छा वो भी हो इसमें कुछ वो भी तो आ रहा है मैनुअल वाले। हाँ जी वो अच्छा इसमें चला। फिलहाल इस तरह कितना काम चल जाए भतरा लोगों जिब जावा कितने? ना जी कुछ नहीं चलता जी, बस अले दिहाड़ी पड़ जे है जी। पहले मैं भी तार दे अपने देसी। हाँ जी मैं दूसरा। हाँ जी हाँ जी वो ओड़े नहीं एक तो हारमोनियम आ रहे। हाँ जी एक बंजू अगर हारमोनियम आ जी वो भी बजाना है ना जी ये बजानिया। हाँ जी तो के एक प्रोग्राम में जाओ कि मैं मिल जाए कि मैं दिहाड़ी तो पाओ जे। हाँ जी मिल जाए जी 500-600 रुपए बड़ा किरार चाच इन्नी बड़का गई। हाँ जी और मिलन के मिला था जी मैं तो गरीब आदमी में ताई आई पर बनाना जाओ अभी। हाँ वो चीज भी हम पूछेंगे, एक तो भाई परिवार को सजेस्ट करो कमेंट के माध्यम से जो समस्या दिखा दी हमने बता दी है
जो संदीप की पत्नी है, तू रान ले ले भाई कि कुर्सी कर्सी ले ले चाहे बैठ जा, बैठ जाता ही। संदीप की पत्नी जो सुमन है, इसको लेकर के आप किस तरह मदद करो कर सको। एक तो यू तरीका है भाई, आप नू बताओ कोई इस बीमारी से संबंधित कोई डॉक्टर हो जड़ा इसका इलाज निःशुल्क हो उसका, पहला इलाज, पहला तरीका। एक डायग्नोज हो उसका भी बीमारी की है, समस्या की है, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा यू है भाई, इस परिवार पर कर्जा भी हो रहा है, आगे इसका ब्योत खत्म, क्योंकि उन्होंने कहा बोला धरती में आटिक लिए, धरती में आटिकन वाला काम हो रहा है। तो फिलहाल इस परिवार की मदद आप कर सको हो, मेरा जो इस वीडियो का बनाने के पीछे मकसद यू है, इस परिवार की आप दिल तय तन मन धन तक मदद कर सका। ताई किस तरह गुजारा कर रहे हो? जो भी कमाई का सिस्टम बना घर में और इस पर खर्चा लगे ला दे। हाँ जी जी, एक जना बिक जे, दो जने बिक जे दिहाड़ी पे, फिर दो तीन आने इसका दूर रहना पड़ा है जी। अच्छा, इसके नाम से, सुमन के नाम से कोई अकाउंट है जी? एक बार जो भी आपका परिवार का अकाउंट हो ना। हाँ भाई, क्या है अकाउंट की और दे मेरे तो डिटेल तो। अच्छा, एक चीज और बताओ मेरे साहब, बच्चे कितने संदीप है जी? दो लड़के हैं जी। दो लड़के, कितने कितने साल के हैं जी? एक तो 12 साल का होगा, एक 6-7 साल का जी। तो जी बालक होया था, उसे पाछे दिक्कत हुई है? हाँ जी, परेशान करवा दिया जी। ऑपरेशन करवाने पर ना, जो बच्चा आ गया लाले, और अब दो महीने पास ऑपरेशन करवावा, तो उस बच्चा पास होया ऑपरेशन करवा दूं अपन बच्चियां का, जो दिक्कत हुई गया एक में। बिल्कुल बिल्कुल, जब हम मरे। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, संदीप अपनी पत्नी को, संदीप अपनी पत्नी सुमन की जान क्यूकर बचा रहे है, हाथ जमीन में टिक लिए हैं, कर्जा चढ़ लिया है, मुंह तक सांस देकर एक बार आप उस प्रक्रिया ना एक बार जरूर वो करो। जिस प्रकार यू संदीप इसके मुंह में सांस देकर ये मैं तस्वीरें हैं, इस प्रकार तय इसकी पत्नी की जान यू बचा रहा है, अपना मुंह तक सांस देकर। तो इस तरह की हालात परिवार की है। फिलहाल सुमन को इंजेक्शन लगवाया गया है। संदीप भाई, एक बार मेरे अकाउंट नंबर वगैरह की डिटेल भी दे दो जी। आपने तो अकाउंट नंबर भी दिया ना, तुम्हारा तो दूध होता जी, जितने पशु थे हमने सारे वहीं बेच दिए, मकान था एक वो भी बेच दिया जी। ये मार पे यो यो रह गया जी, इसका भी टूट रहा जी, पढ़ना हो जाए जी। ये देखो अब यू जुगाड़ बना गया यार, भी सपोर्ट दे रखी देख सको आप। अच्छा, परले कड़ी पटली दिखाई एक बार, एक बार तो हम अकाउंट नंबर भी देंगे, लेकिन उसका भी ज्यादा जरूरी यह है भाई, आप इसकी जो या सुमन की जो बीमारी है उसके हिसाब से इसकी बढ़िया हॉस्पिटल या फिर इलाज हो जाए, कितने डॉक्टर की व्यवस्था आपके संपर्क में। तो ये देखो ये कड़ी टूटी पड़ी है, तो ये तस्वीरें हैं, आप गलत गलत शेयर करते रहो। नहीं भाई, रोटेट गलत हो जाएगा, रोटेशन वो होगी थी दूसरी, तू जब देख आइए देख दे नहीं जब दिखाना है नहीं तो सेम इसे पोजीशन में ऊपर कर ए, रोटे दे रहे इधर। हाँ है, थोड़ा उड़ान पर चलो। ये बिल्कुल, ये देखो भाई आलात मतलब है नहीं, उनको हर प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती के भाई। हाँ ये देख लो भाई, आ जाओ रही देखो भाई, रही हालात देखो भाई, इस पर कुछ नहीं, इस पर भी यू नहीं, इस पर थुक्का भी बंद बिलवा सकता क्योंकि करता चढ़ रहा है। ये देखो त्रेड़ा ही पड़ी है, किसी भी टाइम पड़ सका है जी, मारे भी कुछ नहीं है जी, कणक भी वार है जी खान खाते। ये आप देखो भाई, गाम सिंधड़ा भाई, यू कणक पड़े है, बस वह बात है, अपना दिना ने बारी दे रहे हैं भाई, भाई है? दिना धक्के दे रहे हैं, एक एक दिन तोड़न लग रहे हैं, दिना धक्के दे रहे हैं। तो फिलहाल जब अच्छा, ये अकाउंट नंबर दो भाई मेरे तो, एक बार एक मिनट आ जा भाई, और आना जा, तू आड़े बैठ भाई संदीप, आड़े बैठ जा। ये अकाउंट नंबर हम देवांगे, इस परिवार की मदद आप कई तरीके से कर सको, मैंने बता दा हॉस्पिटल बता सको आप, अपना इसका इलाज भी करा सको फ्री में, यू एक मदद का तरीका है, डायग्नोज करवा सको ताकि पता चले बीमारी क्या है, फिर उसके बाद इसका इलाज हो जाए, उस इलाज को भी आप करवा सको। तीसरा है भाई, इनका अकाउंट नंबर है, इसमें IFSC कोड वगैरह सारा है भाई। यू रहा, ले भाई इमरान, अमित ले इमरान, ये किसके नाम था अकाउंट? ये मेरी माँ का, ये तो है ताई का नाम था अकाउंट भाई, ताई का क्या नाम है? कमली है जी। कमली? हाँ जी। इसका सुमन का भी है क्या अकाउंट? हाँ जी सर जी। तो सुमन का अकाउंट हो, देख पर मना
एक तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इन दोनों अकाउंट पर भर। थारा गूगल पे भी है कोई नंबर भाई? ना। अच्छा गूगल पे कौन है? कमेंट बता रही भाई, मेरे तमी का था कोई बताओ कुछ। तो यू इसका स्क्रीन शॉट ले लो भाई, थोड़ा आईएफएससी कोड वगैरह सही दिखे। हाँ यू अकाउंट नंबर है भाई, यू आईएफएससी कोड है, आईएफएससी कोड है SBIN 0007184। अच्छा यू कड़ा का खाता भाई? ये बाटड़ा का जी है, बाटड़ा का। अच्छा आज बैठ जा। ईबे को और अकाउंट नंबर ले लो भाई। ये इसका अकाउंट है भाई, लो ये इनकी पत्नी है जो जिंदा लाश की स्थिति में है, और इस टाइम आप ये इनका अकाउंट नंबर की स्क्रीन शॉट ले लो। क्या कहे अमित? हाँ यू IFSC कोड हो गया भाई। हाँ ये अकाउंट नंबर है भाई, देखो अरे यू IFSC कोड यू अलग लिख रखे ऊपर थे, ठीक स्क्रीन शॉट मार लो इसका, खत्म है। आप पीछे गिर का मदद कर उसको परिवार की। तो मोबाइल नंबर भी बताओगे? मोबाइल नंबर और बताओ भाई तेरा। गूगल पे तो कौन ऊनू है नहीं, किसी के आया के देखना चाहो हालात और मदद करना चाहो तो भाई। कोई पेटीएम नंबर भी कोनी? ना जी। अच्छा कोई नहीं, मैं पता ये है जी। मोबाइल नंबर बता देता हूँ, तेरे तो कोई जानकारी लेना चाहो तो ये रहा ऊपर भी अकाउंट दे रहा, ये खाता नंबर ऊपर भी लिख रखे इस पे दे रहा ले। यू है भाई यूनियन बैंक का है, ये देखो क्या सुमन का नाम था नहीं? हाँ जी। ये इनकी पत्नी का अकाउंट की डिटेल है, आप देख रहे हो पूरा, गलत गलत शेयर कर लियो। तो यह हालात हमने दिखाई आपको परिवार की, तो आप अपनी मदद देखो मीडिया का माध्यम तो मदद करने के तरीके हो सके हैं, तो हम उस मदद का हिस्सा बन खातर इस टाइम लगभग 11 बजे वाले हो गए हैं रात के, तो हम पहुंच रहे हैं। तो इस वीडियो ने ज़्यादा ज़्यादा शेयर करियो, ताकि एक शेयर इसलिए करियो हर भाई, एक एक शेयर तो कम तक हम मैक्सिमम तो कितने कर दियो लेकिन एक शेयर कम तक हम जहाँ तक करियो, ताकि जिस मुसीबत में ये परिवार है, इस मुसीबत है, इस दसी हो, इस समस्या है, इनको आप बाहर काढ़ सका, नहीं तो एक खबर और बन सके है भाई परिवार पर कुछ निचारा चल रहा, तो कुछ भी हो उसके बतेरी हादसे हुए। तो फिलहाल इस वीडियो ने लेकर मैं लाइव जुड़ा था, इस परिवार की मदद कराइयो। आपको सरकार तक प्रशासन तक अपील करना चाहते हो संदीप भाई? हाँ जी। प्रशासन तक सरकार तक अपील करना चाहते हो? ना जी। कोई इस तरह मदद के लिए कोई सरकार तक कहना चाहो कुछ? मैं तो यह कहना चाहूँ जी, जो मैं मेरा जो मुसीबत है जी, सारे बाल करो जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी चलो, बड़ा आदमी है भाई, देखो यू अपना या बैंजू बजा के और इस तरह गुजारा तो चलना के अपना दिना ने धक्के दे रहे हैं। फिलहाल हमारा जो मकसद है इस वीडियो के पीछे वो यू है, इस इनकी जो धर्म पत्नी है, जो इनके इलाज पर खर्चा ए लिया और जो आवेगा उसका मदद हो जाए, और कोई डॉक्टर ना जानता हो जानकार ने हॉस्पिटल में चाल पूग हो तो सीधा का सीधा इलाज भी करा सको, क्यों भाई? ठीक है। हाँ इनका खर्चा बच जाएगा, इसका फिलहाल 7-8 लाख का खर्चा संदीप, आप मदद कर सको। मैंने अकाउंट की डिटेल आपको दे दी है, और आप एक बार आया कभी भी, कई बार इन्होंने आ रहा भाई पेटा बना जरूरी, तो आओ इस परिवार में आया के देख के और तो भी आप मदद कर सको, मतलब सीधे के सीधे बाई एंड है, क्यों भाई? ठीक है। को अड़ाएगा और मदद कर तो देख कर अपना हालात मदद कर दो भाई परिवार की। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है जी? क्या ताई? कौन? ना ना कोई बात नहीं, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। शेयर कर दो भाई। मोबाइल नंबर बता दो। मेरा नंबर है जी 9309-87833। 9309-87833। इस नंबर पर फोन करके आप इसकी लोकेशन और जगह का ठिकाना पाया कर मदद कर सको, कर दो शेयर भाई। फिलहाल हम इन तस्वीरों पर छोड़ कर जाऊँ, तो हम भी अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइयो इस समस्या तय संदीप और इसके परिवार को, इनकी धर्मपत्नी को निजात दिलाने का तरीका, अच्छा तरीका क्या उसका है। बहुत बहुत धन्यवाद।